बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं कौन सी रेसिपी? जी आज हम बना रहे हैं, यानी कि मैं बना रही हूँ आपके लिए चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी। वैसे मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में अपने चैनल पे डाली हुई है, लेकिन आज मैं लकड़ियों पे बना रही हूँ तो उसका जायका आपको पता है फिर कुछ और ही होता है लकड़ियों वाले सालन का। इस टाइम टाइम हमारे पास मेरे ख्याल से तकरीबन 3-3 बज रहे हैं। हाँ जी 3 बज रहे हैं, मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा, तो क्योंकि हमारे पास बहुत शोर था इसलिए मैंने मुझे यहाँ पर आवाज़ की रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है। और जी रेसिपी जो है हमारी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही इंस्टेंटली बनने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और जी जो भी चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और जी देखें हमारे पास बिल्कुल शाम हो चुकी है, ये देखें, और हम जो है ना अपनी मैं वीडियो जो है ना टाइम से बनाना स्टार्ट करती हूँ कि ताकि जो है ना टाइम से वीडियो बन जाए, अंधेरा ना हो, ताकि जो है ना आपको हर चीज़ क्लियरली और अच्छे तरीके से नज़र आ सके। क्योंकि जैसे ही रात हो जाती है तो फिर चीज़ें दिखाने में, रेसिपी के समझने में यानी कि थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो जल्दी जल्दी से मैं जो है ना अपना व्लॉग ना टाइम से बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ, तो अच्छे तरीके से हमने इसका पेस्ट बना लेना है। और जी आग भी हमारे पास जली हुई है, और इसके बाद जी हमने स्टार्ट करनी है हमारी आज की रेसिपी। रेसिपी में सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है तेल, और उसके बाद ना तेल में डाल दूँगी चिकन तेल, यानी तेल डालें या घी ले लें, मैंने अच्छे तरीके से उसको गर्म कर लिया है। उसके बाद हमने उसमें डाली है चिकन। चिकन जो है थोड़ा सा गीला था इसलिए वो थोड़ा सा साथ चिपक रहा है, लेकिन इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जी इसी के साथ ही आज बहुत ही मज़े की रेसिपी बन रही है, मेरी फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं होते, हम घर की चीज़ों से ही इसको बना सकते हैं, और बहुत इजी सी रेसिपी है। और जो इसमें क्रीमी क्रीमी सा जायका आता है, क्या ही बात है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए चिकन वाइट कढ़ाई भी मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, और आप कहते होंगे कि मैं हमेशा से अपनी फेवरेट रेसिपीज़ ही बनाती हूँ। हाँ जी जी बिल्कुल, तो क्योंकि मैं कहती हूँ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अगर मैं ना खाऊं तो फिर मेरी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। और जी ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया, तो अब हमने इसमें डाल देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। हाँ जी जी, ये डालकर हमने इसको करना है अच्छे तरीके से मिक्स, इससे क्या होगा कि हमारे चिकन में जो भी स्मेल होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और जी चिकन से बहुत ही मज़े मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर शानू जो है रो रहा है, क्योंकि शानू को चाहिए दूध वाला फीडर, तो जी इसलिए शानू का मूड ऑफ है। तो मैं अपनी वीडियो बना रही थी तो थोड़ा सा मैंने बीच में ब्रेक लिया था, और शानू के लिए जो है ना मैं जाकर दूध बनाकर लेकर आई थी कि ताकि वो पी ले और रोए ना, क्योंकि मैं शानू को रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। नमक हमने इसमें डालना है, और भी हमने इसमें डालना है काली मिर्च, और जी चिकन वाइट कैब में कौन कौन से मसाले डलते हैं वो भी आपको दिखाती भी हूँ। ये देखें हमने इसमें डाला है काली मिर्चों का पाउडर जस्ट, और कुछ भी नहीं डाला, और हमने डाला है नमक, तो ये दो चीज़ें मैंने अभी इसमें डाली हैं, और साथ में डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट, हमने ये तीन चीज़ें अभी इसमें डाली हैं। और इसको करना है अच्छे से घी में फ्राई बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास घी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो आप बाद में घी को निकाल भी सकते हैं। और जी इसके साथ मैं डाल दूँगी इसमें प्याज़ों का पेस्ट, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप डालें, अगर आपको नहीं चाहिए ज़्यादा तो आप सिर्फ अदरक और लहसुन का पेस्ट भी रख सकते हैं, ये ऑप्शनल था। तो जी इसके बाद जो है ना हमने अच्छे तरीके से फ्राई करनी, क्योंकि प्याज़ों में भी थोड़ी सी स्मेल होती है, अगर आप इसमें पेस्ट डालेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ्राई करनी पड़ेगी, ताकि प्याज़ों की भी आपके सालन से बिल्कुल भी जो है ना स्मेल ना आए। और जी लकड़ियों पे पकाने का बहुत ही मुझे मज़ा आता है, बहुत अच्छा सालन बनता है। और इसमें मैंने ये देखिए टमाटर भी डाल दिए हैं, 2 से 3 टमाटर इसमें डाल दूँ, थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए, गर्मी से बुरा हाल हो जाता है, चाहे वो ये वाला हो या आपकी किचन वाला हो, गर्मी में जो है ना सोच लिया कि इस दफा हमें नहीं छोड़ना।
और जी मैंने इसमें डाला था एक अदर टमाटर और साथ में सूखा धनिया। और जी ये देखिए चिकन भी हमारा हाफ जो है गल चुके हैं। तो जी अब हमने इसमें डाली है हाफ प्याली दही, यानी कि एक और जितनी हमने इसमें दही जो है वो शामिल कर दी। और जी दही डालने के बाद इसका कलर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमने इसमें डालनी है क्रीम। क्रीम मैंने हाफ कप जितनी ले ली थी क्रीम हम इसमें डाल देंगे। तो क्रीम डालकर जो इसका जायका आता है ना ही पूछे, बहुत ही मज़े की बनती है। तो जी फाइनली हमारी वाइट कढ़ाई बनके रेडी हो चुकी है। देखा आपने कितनी आसानी से कितनी जल्दी बन जाती है ये। तो जी आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी, मुझे कॉमेंट में बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, क्योंकि मेरी बहुत ही मज़े की बनी थी। और जी आई होप कि हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे आपसे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़। आपको आज बताऊँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो चल रही है, इसके नीचे ही ये देखिए लिखा हुआ है खतीजा इन्फो, यानी कि मेरे चैनल का नाम। उसके साथ ही सामने ही बिल्कुल आपको रेड कलर का सब्सक्राइब नज़र आएगा, तो आपने इसको सब्सक्राइब कर देना है। ये देखिए यहाँ से आपने इसको प्रेस करना है, तो ये समझिए कि ये ब्लैक हो जाएगा और ये सब्सक्राइब हो गया। और उसके आगे आएगा आपको बेल का एक निशान नज़र, फिर आपने उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जी सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑल, फिर आपने उस पर क्लिक कर देना है। इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन भी आपने ऑन कर दिया है। तो जी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आप जो है ना मेरे चैनल पर आएंगे और ऐसे ही हमें जो है ना सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।